नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन से मंदिर किस राज्य में स्थित है और कहां पर स्थित है। साथ ही जो एक एक्स्ट्रा फैक्ट होगा जो आपको जानना चाहिए और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी मैं आज आपके बीच कवर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आप लोगों का डिमांड था हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी कई सब्जेक्ट आपके डिमांड में थे, तो मुझे लगा कि सबका जो है ऐसा करते हैं कि स्टैटिक जीके ही मैं आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूं, जो कि बेस्ट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो मैं जो है आपके लिए स्टैटिक जीके का सीरीज चला रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखते हैं उत्तराखंड। सबसे पहले उत्तराखंड में देख लेते हैं कौन कौन से जो है मंदिर हैं। सबसे पहला है बद्रीनाथ मंदिर, दूसरा है केदारनाथ मंदिर, तीसरा है गंगोत्री मंदिर और अंतिम है यमुनोत्री मंदिर। ये चार मंदिर जो है उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है, ठीक है। आप जानते हैं हम लोग कि बद्रीनाथ मंदिर जो है किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तो विष्णु भगवान के लिए, ठीक है। और ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा केदारनाथ मंदिर, और ये भगवान शिव के लिए है। किसके लिए? भगवान शिव के लिए। लेकिन बद्रीनाथ जो है ये आपका विष्णु के लिए है, ठीक है, दोनों में अंतर इसे याद रखेगा। और जो केदारनाथ मंदिर है वो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गंगोत्री मंदिर, ठीक है, ये देवी गंगा के लिए है। और यमुनोत्री मंदिर आप लोग जानते ही हैं, ये सभी नाम पर ही स्थित है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड जो है आपको मैप में कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऊपर में, ठीक है, उत्तर के साइड में। ये उत्तर जो है, उत्तर का जो है एक राज्य है। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट है? एक है अमरनाथ मंदिर, दूसरा है माता वैष्णो देवी मंदिर। तो ये दो मंदिर हैं जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैप में आप लोग देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये ऊपर में, सबसे ऊपर में, उत्तर की ओर, ठीक है, सबसे ऊपर में। अच्छा, अमरनाथ मंदिर ये किस भगवान के लिए है? तो आप लोग जानते हैं भगवान शिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, अर्थात ये भगवान शिव में यहाँ पे, यानी कि भगवान शिव की यहाँ पे पूजा की जाती है। नेक्स्ट जो है आपका वैष्णो देवी, आप लोग जानते हैं दुर्गा माँ का जो है दूसरा रूप है ये। अगला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब में है, और स्वर्ण मंदिर आपको पता होगा, स्वर्ण मंदिर जो की जो स्थापना हुई थी वो गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव ने मिलकर के की थी, स्वर्ण मंदिर की स्थापना। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर्ण मंदिर आखिर क्यों कहलाता है। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, इस पर जो है सोने की परत चढ़ाई गई है, ठीक है, इस मंदिर में सोने की परत चढ़ाई गई है, तो इसे ही स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। और ये स्वर्ण मंदिर सिख के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये पंजाब है यहाँ पर, ठीक है। पंजाब के आसपास कौन है? तो ये है आपका ये हिमाचल प्रदेश, ये है आपका हरियाणा, और ये है आपका राजस्थान, और साथ ही साथ ऊपर में है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने बिहार। बिहार में बस एक ही है इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है महाबोधि, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बिहार आप लोग जानते हैं मैप में कहाँ है, यहाँ है महाबोधि, आप लोग जानते हैं ये बौद्ध भगवान से संबंधित है, किससे? बुद्ध भगवान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक है बांके बिहारी, दूसरा है काशी विश्वनाथ, तीसरा है प्रेम मंदिर। ये तीन मंदिर उत्तर प्रदेश में प्रमुख है, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बांके बिहारी मंदिर जो है ये भगवान कृष्ण के लिए है, जो कि वृंदावन मथुरा में है। और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये आपका भगवान शिव के लिए है, ठीक है। और प्रेम मंदिर जो है ये कृष्ण भगवान और राधा दोनों के लिए, यह प्रेम मंदिर, ठीक है। और ये कहाँ पे है? वृंदावन मथुरा में, ठीक है। और आप लोग जानते हैं मैप में यहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक है आपका फेमस अक्षरधाम मंदिर, ठीक है। कौन है? अक्षरधाम मंदिर। और ये अक्षरधाम मंदिर जो है ये पांडव नगर में है। कहाँ पे? दिल्ली में पांडव नगर पड़ता है, वहीं है आपका अक्षरधाम। और ये यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये रहा आपका दिल्ली। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए अक्षरधाम मंदिर जो है ये किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, तो स्वामी नारायण के लिए। किसके लिए? स्वामी नारायण के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है खजुराहो का मंदिर। मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है वो है खजुराहो का मंदिर। अच्छा, ये किस महा, यानी कि किसके लिए जो, यानी किस देवता के लिए है? तो कंदरिया महादेव, एक्चुअल में है महादेव ही, लेकिन उनको बुलाता है कंदरिया महादेव, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश आप जानते हैं मैप में कहाँ पे? बीच में, जस्ट बीच में। आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, हिस्ट्री में, कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तब आपको बताना है चंदेल राजा ने, ठीक है, जो कि राजपूत थे। और ये खजुराहो का जो मंदिर है फ्रेंड्स, ये केवल जैन वो और हिंदू धर्म के लिए है। किसके लिए? जैन और हिंदू धर्म के लिए। और ये छतरपुर जिला में मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपके सामने गुजरात। गुजरात में जो है एकमात्र है आपका सोमनाथ मंदिर, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट है सोमनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव के लिए। किसके लिए? भगवान शिव के लिए। और आपको पता होगा गुजरात कहाँ है, तो
सबसे यहाँ पे पश्चिम में, ठीक है, यह है आपका गुजरात। आपको पता होगा यू ऊपर में जो है आपका राजस्थान है, नीचे आपका जो ये है आपका महाराष्ट्र, और बीच में है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मैप को आपको माइंड में सेट कर लेना है, मैं स्टैटिक जीके करा रहा हूँ, तो जल्द ही आपका मैप का भी वीडियो आएगा जिससे कि आपका मैप स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चार जो है मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक है सिद्धि विनायक मंदिर, दूसरा है महाबलेश्वरम, तीसरा है कैलाश मंदिर, और चौथा है साईं बाबा मंदिर, और ये आपको पता है महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये जो मंदिर है वो किन किन देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उसको आप अगर आप लोग जानोगे तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो ये जो सिद्धि विनायक मंदिर है ये गणेश भगवान के लिए है, किसके, भगवान गणेश के लिए है। महाबलेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव के लिए है। कैलाश मंदिर आपको पता ही होगा भगवान शिव को ही कैलाश कहा जाता है, तो कैलाश मंदिर जो है यानी कि ये आपका शिव के लिए है, ठीक है, और ये एलोरा में है, ठीक है। अगला है साईं बाबा मंदिर, आपको पता ही होगा शिरडी साईं बाबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने उड़ीसा। उड़ीसा जो है लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और अंतिम है राजा रानी मंदिर, ये चार मंदिर उड़ीसा में फेमस है। चलिए अब इनके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। लिंगराज मंदिर यह शिव मंदिर है, कौन सा, शिव मंदिर, और उड़ीसा में कहाँ पे है, ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गंग शासक ने। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पे, पुरी में है, यानी कि आपको पता होगा ना उड़ीसा के पुरी में, यानी कि पुरी एक जिला है उसमें, और सूर्य मंदिर है यहाँ पे कोणार्क का। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, सूर्य मंदिर से कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वहाँ पे रथ के रूप में जो है, रथ के रूप में जो है सात घोड़े जो है खींचते हुए दिखाई दिए हैं, सात घोड़े हैं, सातों घोड़े जो है मिल करके रथ को खींचते हुए उसके अंदर में है, ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जगन्नाथ मंदिर जो है ये कृष्ण भगवान के लिए जो कि पुरी में है, पुरी कहाँ है, उड़ीसा का एक जिला है पुरी, वहीं पर जगन्नाथ मंदिर। अगला है राजा रानी मंदिर और ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कामाख्या मंदिर, और आपको पता होना चाहिए कामाख्या मंदिर जो आपका असम में है, ठीक है, और ये कामाख्या मंदिर किसके लिए, देवी सती के लिए है, और ये गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में, और ये देवी सती के लिए कामाख्या मंदिर इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपके सामने केरल। क्या है केरल, केरल में है आपका पद्मनाभ स्वामी, दूसरा है सबरीमाला, ये दो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्विक रिविज़न करा रहा हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कौन से राज्य में वो है, उसके बाद मैं आपको एक जो है ऑप्शनल वाला वीडियो करा दूंगा ताकि आप लोग रिविज़न अच्छे से कर लो, ठीक है। चलिए केरल में जो है दो है, एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर, एक है दूसरा सबरीमाला, और केरल मैप में कहाँ है, सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे आपको दो राज्य देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा है, एक तो आप ये लाल कलर का देख रहे हैं केरल, और जस्ट इसके बगल में ये जो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है वो है आपका तमिलनाडु। तो सबसे नीचे आपका तमिलनाडु और केरल, इतना सा आपको बस ध्यान में रखना है कि तारगल कौन कौन सा स्टेट है, ठीक है। अच्छा ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये आपका भगवान विष्णु के लिए, और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। दूसरा जो सबरीमाला मंदिर है ये अयप्पा देवता है ये अयप्पा, ठीक है, और ये ब्रह्मचारी के लिए है, ठीक है, सबरीमाला मंदिर ब्रह्मचारी अयप्पा देवता है, ठीक है। अगला है आपके लिए तिरुपति बालाजी मंदिर, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुपति बालाजी मंदिर, इनको ही वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ये विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध है तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना जो बना था ये रहा आपका तेलंगाना, ठीक है, इनको मैप में आप ध्यान में रखिएगा। ये है आपका कर्नाटक, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट पहले बताया, ये है आपका तमिलनाडु, यहाँ पे आपका उड़ीसा, और ये रहा आपका छत्तीसगढ़। तो इतना मैप में आपको ध्यान में रखना है ताकि आप जब भी मैप से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप गलत ना कर पाओ। नेक्स्ट है आपके सामने तमिलनाडु। तमिलनाडु के चार जो है मंदिर बहुत ही फेमस है, कौन कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर, रामेश्वर मंदिर, और मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, ये दो जो है मंदिर बहुत ही चार जो है मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु से। चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव के लिए है जो कि तंजौर में है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, तंजौर में। दूसरा है कांचीपुरम कैलाश मंदिर, जब कैलाश मंदिर की बात आ रही है तो बिल्कुल है ये जो है आपका शिव भगवान के लिए होगा, ठीक है। दूसरा जो है आपके सामने वो है आपका रामेश्वरम। आपको एक बात बता दूं, कैलाश मंदिर जो यहाँ का कांचीपुरम का है, साथ ही साथ शिव भगवान के साथ पार्वती जी का भी है, ठीक है। अच्छा निर्माण किसने करवाया था कांचीपुर का कैलाश मंदिर, तो पल्लव वंश के राजा ने करवाया था, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और बृहदेश्वर मंदिर जो है ये बहुत बार पूछा गया हिस्ट्री में, तो आपको ध्यान में रखना है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक ने करवाया था, ठीक है। अगला है रामेश्वर मंदिर, और ये भगवान शिव के लिए ही है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम है मीनाक्षी मंदिर,
अच्छा ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। आपको देखते हैं कितना ज्ञान है इन सब के बारे में। आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे मीनाक्षी मंदिर को, तो आप लोग बताइएगा कि तमिलनाडु में ही मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, किस जगह में, ठीक है, और ये किस भगवान के लिए जाने जाते हैं मीनाक्षी मंदिर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ही ये वीडियो समाप्त होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मैं आपको मैपिंग के साथ करा रहा हूँ हर वीडियो में ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए मैप के बारे में। बार बार रिवीजन करने से मैप आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं मैप का एक स्पेशली वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।